तो हाँ उस्ताद, ये वीडियो है, एप्पल ने अपना इवेंट अनाउंस कर दिया, इनवाइट दिया है, उसके अंदर क्या क्या ईस्टर एग जिसे कह सकते हैं या क्या क्या हिंट्स मौजूद हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप इनवाइट को नोट करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और इसकी एक वीडियो भी आई थी, उसमें भी कुछ चीज़ें जो मुझे समझ आई हैं, जो मैंने इवेल्यूएट की हैं, जो एनालाइज की हैं, उसके हिसाब से जो मैंने चीज़ें पिक की हैं, जिसे ईस्टर एग कह सकते हैं या हिंट्स कह सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं जो मैंने नोटिस की। नंबर वन, अगर आप इसकी वीडियो देखें तो वीडियो के अंदर जो 9/14 लिखा हुआ आ रहा है, जो कि जिस दिन एप्पल का इवेंट अनाउंसमेंट डेट जो है, इसका मतलब साफ जाहिर हुआ है कि ये इसके अंदर जो अपकमिंग आईफोन है इसके अंदर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डेफिनेटली है। अगर आप एप्पल का लोगो देखेंगे, जो एप्पल लोगों ने बड़ा सा बनाया, उसके अंदर एक पिक्चर दिख रही है, उसमें बहुत ज्यादा हिंट्स है। नंबर वन, ऑटो फोकस मुझे लगा है कैमरे का, वो अच्छा लगा है मुझे, बड़ा लेंस लगा है इसके अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बड़ा लेंस जो है वो अपकमिंग आईफोन में मौजूद है, बिगर लेंस ऑब्वियसली, ऑटो फोकस बहुत अच्छा लगा है। इसके अलावा अगर आप इस इनवाइट को गौर से नोट करें तो इसके अंदर आपको ब्लैक शेडोज नजर आएंगे साइड्स पे, इसका मतलब ये है कि नाइट फोटोग्राफी, नाइट मोड बहुत अच्छा आने वाला है एप्पल के इस इवेंट के अंदर, जो कि आईफोन में फीचर्ड होगा अच्छा खासा। इसके अलावा इन्होंने ऊपर जो स्काई लाइन दिखाई है उससे साफ लगा कि एस्ट्रो फोटोग्राफी जो है उसका जो है चांस बहुत ज्यादा हाई है, कि वो जो है हिंट में दिख रही है कि एस्ट्रो फोटोग्राफी इसके अंदर मौजूद होगी। कि साइड लाइंस में देखें एप्पल के लोगो की, तो उसमें एक शाइन सा नजर आ रहा है आपको, उससे साफ जाहिर हुआ है कि अपकमिंग आईफोन और एप्पल वॉच के अंदर न्यू कलर जो है वो डेफिनेटली आने का चांस है। आईफोन के अंदर ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है इस इन्वाइट के हिसाब से न्यू रोज गोल्ड जो है वो आने के चांस है। इन्वाइट को और गौर से देखेंगे, इसके अंदर नीचे एक लाइन बनी हुई है जो कि स्क्वायरिश फॉर्म में हुई है, उससे साफ लग रहा है कि न्यू आईपैड जो है वो भी जो है वो नजर आ रहा है आता हुआ। अब ऑब्वियसली मैंने ये खुद एनालाइज किया, इसमें 100 किस्म के हिंट्स हो सकते हैं, मैंने जो फिगर आउट किया मैंने वो आपसे शेयर किया। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अपकमिंग आईफोन में क्या क्या होगा और एप्पल वॉच में क्या क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ आईफोन और एप्पल वॉच की बात कर लेता हूं मैं, आईफोन 13 में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। जो साइज एग्जैक्टली सेम है 5.4 इंच, नॉच ऑब्वियसली इस दफा स्मॉलर है, डेफिनेटली स्मॉलर है, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में लिख लिया, डेफिनेटली स्मॉलर नॉच जो है इसमें मौजूद है। इसके अलावा फेस आईडी जो इनहेंस है, इसको फेस आईडी 2.0 जो है नाम देगा एप्पल होपफुली। आई डोंट नो कि मैं कितना सच्चा हूँ या रूमर्स कितने सच्चे हैं, लेकिन होपफुली फेस आईडी जो है वो इनहेंस वर्जन होगा। सो 2.0 कहें या ना कहें, लेकिन इनहेंस वर्जन होगा, जो आपका स्करंट उससे ज्यादा फास्टेस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। इसके अलावा A15 बायोनेट चिप होगी डेफिनेटली। इम्प्रूव्ड 5G, हालांकि 5G अब तक मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली 5G नहीं है, तो रूमर्स है उसके हिसाब से इम्प्रूव 5G जो है वो इनेबल्ड होगा तमाम आईफोन्स के अंदर। पोर्ट्रेट मोड और वीडियो, यानी पोर्ट्रेट मोड जो हम पिक्चर्स खींचते हैं पोर्ट्रेट, इसके अंदर वीडियो फॉर्मेशन भी आ जाएगी, इसके अंदर बोका इफेक्ट जो है आपको वीडियो के अंदर भी देखने को मिलेगा। एनहांस बैटरी है, स्टोरेज है वो 64, 120 और 256 जो है अब तक समझ आया, स्टार्टिंग प्राइस जो है इसकी $699। अब आईफोन 13 में जो है, अब मैं सिर्फ वो फीचर बताऊंगा जो आईफोन 13 में है और आईफोन 13 मिनी में नहीं है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ साइज जो है 6.1 इंच पहले भी था, अभी 6.1 इंच है, स्मॉलर नॉच ऑब्वियसली, बाकी सब चीजें एग्जैक्टली सेम है, और इसका जो बैटरी है वो मोर एनहांस है, इसकी प्राइसिंग जो है स्टार्टिंग जो है वो है $799, स्टोरेज साइज 64, 120 और 256 जो है अब तक एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियसली जो कैमरा है आईफोन 13 है, आईफोन 13 मिनी के अंदर, वो डायगोनल फेज में है, वो इस दफा जैसे नॉर्मली कैमरा प्रैक्टिस रहती रही है कैमरा डिजाइन की, वो इस दफा थोड़ा सा हटके है, तो डायगोनल फेज में जो है मोस्ट प्रोबेबली चांस है आईफोन 13 मिनी एंड आईफोन 13 के अंदर। अब हम बात करते हैं आईफोन 13 प्रो एंड 13 प्रो मैक्स की। आईफोन 13 प्रो जो है उसका साइज एग्जैक्टली 6.1 ही है, लेकिन इस दफा इसमें 120Hz डिस्प्ले जो है वो प्रोमोशन लेके आएगा एप्पल डेफिनेटली, और 120Hz प्रोमोशन जो है वो ऑब्वियसली iPad Pro सीरीज के अंदर मौजूद है, ये चीज जो है वो इंप्लीमेंट होगी iPhone 13 Pro सीरीज के अंदर, तो 120Hz डेफिनेटली जो है iPhone 13 Pro एंड iPhone 13 Pro Max में है। इसके अलावा एग्जैक्टली बाकी सब चीजें सेम है, इनहेंस बैटरी होगी, A15 बायोनिक होगी, स्टार्टिंग प्राइस जो है वो होगी $1000, स्टोरेज फॉर्मेशन आ रही है अब तक उसके हिसाब से 128GB, 512GB एंड 1TB आ रही है, जो 256GB का जो टियर है उसको खत्म कर दिया एप्पल ने एज पर रूमर्स, तो ये कुछ चेंज है इसके अंदर। अगर 13 Pro Max की बात करें तो 7 इंच का जो है वो डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज डेफिनेटली है, इनहेंस बैटरी है, इसके अंदर भी सेम स्टोरेज साइज है 128, 512 एंड 1TB, प्राइसिंग स्टार्टिंग जो है वो है $1100। एप्पल वॉच की अगर हम बात करें तो एप्पल वॉच जो है वो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एप्पल वॉच जो है वो डिले है, डिले नहीं होगी, एप्पल वॉच लॉन्च होगी जरूर, क्योंकि मुझे बहुत सारे DMs आ गए कि यार एप्पल कन्फर्म डिले है तो हम वेट कर लें या क्या है क्या नहीं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि एप्पल वॉच सीरीज 7 जो अनाउंस होगी, न्यू कलर्स में एक्सपेक्टेड है, एक ग्रीन और एक ऑरेंज
ऑरेंज, ये दो कलर न्यू एक्सपेक्टेड है। अनाउंस होने के साथ साथ लिमिटेड अवेलेबिलिटी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त राइट नाउ लिमिटेड स्टॉक जो है वो एप्पल निकालेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यूएस, कनाडा और क्या कहते हैं बहुत सारी जगह जहाँ पे ऑफिशियल एप्पल है वहां पे तो कुछ लिमिटेड स्टॉक जो है वो एप्पल देगा, लेकिन मास प्रोडक्शन अभी भी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन एक से डेढ़ महीने का डिले आएगा। तो अगर आप में सबर तहमुल होगा तो एक डेढ़ महीना वेट करके आप प्राइसिंग अच्छी ले सकते हो, वरना आपको हैवी प्राइस पे करनी होगी। और सेम इज द केस विद अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, जितने भी उस दिन इवेंट में चीजें अनाउंस होंगी वो सब जो है मोस्ट प्रोबेबली 17 और सितंबर को जो है वो प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे और 24 सितंबर को जो है वो अवेलेबिलिटी होगी। पाकिस्तान में आते आते ऑब्वियसली कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं, जो कि नॉर्मल मार्केट में आते हैं जिसे कहते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, वहां पे अवेलेबल होगा, लेकिन ऑब्वियसली प्राइसिंग जो है बहुत हाई होगी। जो ऑफिशियल स्टॉक है पाकिस्तान के अंदर जो रेफ्रिजरेटर और एयर लिंक लेके आते हैं उसको आने में कम से कम एक से डेढ़ महीने लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है नवंबर के स्टार्ट में या नवंबर के मिड में जाके जो है वो आईफोन आएगा ऑफिशियल स्टॉक पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप सब्र कर लेंगे तो प्राइसिंग आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। वैसे ये बात मेरे लिए खुद के लिए भी है कि मैं खुद बहुत ज्यादा बेसब्र हूँ आईफोन के लिए, ये सब चीजें मेरे लिए भी है, तो ये सब चीजें मुझे भी सुननी है कि वेट करना है और वेट करके जो है फोन लेना है अगर पाकिस्तान से ले रहे हैं तो। अगर कोई जानने वाला आया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से फोन ले रहे हैं क्योंकि मेजोरिटी ऑडियंस पाकिस्तान से लेती है तो कुछ सब्र कर लेंगे तो वो प्राइसिंग अच्छी हासिल कर सकते हैं और आपको जो है अच्छी प्राइस मिलेगी। ऑब्वियसली फ्यूचर में सेल करेंगे फोन तो उसमें भी आपको एडवांटेज होगा। अगर महंगी प्राइस पे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 128 GB जो है वो 3 लाख रुपए का फोन लिया या 3.5 लाख का फोन लिया, तो उसका पीटी ड्यूटी पे करेंगे उसके ऊपर 3 लाख तक का तकरीबन पड़ जाएगा आपको ये। तो 3 लाख का पड़ने के बाद अगर आप मार्केट में बेचेंगे आगे जाके तो ऑब्वियसली आपको 3 लाख तो नहीं मिलेंगे, आपको 2 लाख मिलेंगे, तकरीबन आपको 1 लाख रुपए का लॉस अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। तो इस वजह से आप सब्र कर लेंगे तो सब्र करने के बाद आपको प्राइसिंग अच्छी मिल जाएगी, जब प्राइसिंग अच्छी मिल जाएगी तो ऑब्वियसली आपको फायदा होगा फ्यूचर में। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट सोचा करें कि अगर मैं बेचूंगा फ्यूचर में तो मुझे कितना इस पर लॉस होगा, ताकि मैं नया फोन लूँ उसमें कितने मुझे पैसे मिलाने होंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो अबाउट क्या आप एक्सपेक्ट करोगे एप्पल के इवेंट में और क्या आपको हिंट्स मिली एप्पल के इस इन्वाइट से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो डेफिनेटली कर लें। इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल हैं मुझे आप ईमेल कर सकते हैं biz@arslanjavid.com पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।